नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बिजली बिल को लेकर। बिहार में बिजली बिल की समस्या को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती है। इन दिनों बिजली विभाग बकाया वसूलने को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। बिजली विभाग एक अनूठा अभियान चलाने जा रहा है, जिसमें कि वैसे बकायेदार जिनके पास भारी भकम बकाया बाकी है, उनके नाम गांव की गलियों, चौक चौराहे, स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाने की बात कही गई है। यानी कि उन लोगों का नाम पूरी लिस्ट में लगाकर इन सार्वजनिक स्थलों पे चिपकाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिनका पैसा बाकी है उन बकायेदारों का नाम भी बताया जाएगा, ताकि वे लोग उनके बारे में जान सके कि उनके पास कितना पैसा बाकी है और उन्होंने अभी तक पैसा बिजली बिल जो है वो जमा नहीं किया है। बिजली अधिकारियों की तरफ से जारी बयान में यह बताया गया है कि बिजली कंपनी के लाख प्रयास के बाद भी बिजली बिल वसूली में तेजी नहीं देखी जा रही है। यह भी बताया गया है कि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा कर देते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति बहुत ही खराब है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां ग्रामीण इलाकों में बिजली का बिल जमा नहीं किया जा सका है। पटना के ग्रामीण इलाकों की ही अगर हम बात कर लें तो कई ऐसे फीडर हैं जहाँ पे बिजली कंपनी के बिल के रूप में नगण्य राशि यानी कि जीरो रुपया कुछ भी पैसा जो है वो विभाग के पास जमा नहीं हुआ है। पटना के अलावा नालंदा, बक्सर, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, औरंगाबाद सहित दो दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जहाँ पे कंपनी को एक तिहाई बिल भी जमा नहीं हो पाया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिजली आपूर्ति करने के बावजूद बिल की राशि नहीं मिलने से कंपनी घाटे में चल रही है। इधर यह भी कहा जा रहा है कि हर साल राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए का अनुदान बिजली कंपनी को देना पड़ रहा है। हर साल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण अनुदान की राशि में भी इजाफा हो रहा है। बिजली बिल जमा न होना देख बिजली कंपनी ने फैसला लिया है कि बिजली बिल वसूली करने के तरीके में बदलाव किया जाएगा। इसकी प्लानिंग खासकर ग्रामीण इलाकों को लेकर शुरू की गई है, जहां सबसे ज़्यादा पैसा अभी तक कंपनी का फैसा हुआ है। ग्रामीण इलाके में सबसे पहले माइकिंग करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि माइक लगाकर जो है उनका नाम अनाउंस किया जाएगा और उनके बारे में बताया जाएगा कि फलाने गाँव के फलाने व्यक्ति के पास बिजली बिल के रूप में इतने पैसे बकाया है। कंपनी के अधिकारी सबसे पहले माइक से प्रचार कर लोगों को सचेत करते रहेंगे कि वे बिल जमा कर दें, वरना उनकी बिजली काटी जाएगी। इसके बाद लोगों की सुविधा के लिए कंपनी की ओर से विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि अगर किसी उपभोक्ता को बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत हो तो वे उसका समाधान करवा सकें। बिजली बिल के बड़े बकायेदारों को नोटिस भी भेजी जाएगी। इसके बावजूद अगर बिल जमा करने की गति में बढ़ोतरी नहीं होती है तो फिर अंत में सार्वजनिक जगहों पर बकायेदारों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। इन प्रक्रिया के बावजूद अगर उस गांव में एक भी उपभोक्ता ने बिजली बिल जमा नहीं किया तो उस गांव की बिजली काट दी जाएगी। ऐसे कई ऐसे गांव हैं नालंदा जिला के, खासकर अगर हम बात कर ले तो वहां पे लोगों का जो है पूरे गांव की बिजली काट दी गई है। ये उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे पूरे गांव के लोगों ने जो है बिजली बिल जमा नहीं किया, जिसके एवज में बिजली कंपनी ने पूरे गांव की बिजली ही काट दी है। ऐसे में बिहारी न्यूज इन उपभोक्ताओं से आग्रह करता है कि आप जो है बिजली बिल जमा करें, ताकि आपके यहाँ बिजली सुचारू रूप से दिया जा सके, सुचारू रूप से जारी किया जा सके, ताकि आपके यहाँ जो विकास के काम हैं वो हो सके। क्योंकि इन दिनों खेतीबाड़ी का काम शुरू होने वाला है और ऐसे में बिजली नहीं होगी तो फिर पानी की समस्या आपके लिए आम हो सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।